अर्चना गौतम ने अब्दुल रोजिक को बुलाया कुत्ता। गुस्से से तमतमा उठे अब्दुल रोजिक और फिर की बिग बॉस से शिकायत। जी हाँ दोस्तों, जब से अब्दुल रोजिक बिग बॉस के घर के नए कप्तान बने हैं, घर का माहौल एकदम से तब्दील हो गया है अजीब तरीके से, क्योंकि अर्चना ने बिल्कुल ठान लिया है अपने मन में कि अब्दू की कप्तानी तो नहीं चलने दूंगी। अपना काम करने से इनकार कर रही हैं, साथ ही में दिन के वक्त सो रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है, सरासर नियमों का उल्लंघन है। एक कप्तान होने के नाते बिग बॉस अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई नियम नहीं टूटे, लेकिन अर्चना ने तो ठान लिया है, लगातार वो बकवास करे जा रही है। यहां तक कि अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो कुत्ते की तरह भौंककर मेरे पास आएगा तो भी मैं उसकी नहीं सुनने वाली। ये बात शिव ठाकरे समझ जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं अर्चना के पास और उन्हें कहते हैं कि यार क्यों बकवास कर रही है, नॉर्मली नहीं सोते ना दिन में, तो क्यों सो रही है। तो अर्चना कहती है कि मैं क्यों सुनूं उसकी, तो वो कहते हैं कि यार अब्दू की मत सुन, लेकिन वो घर का कप्तान है और कप्तान होने के नाते तुझे उसका सुनना होगा। अर्चना कहती है हाँ कि वो भोकेगा भी ना तो भी नहीं करूंगी। इसके बाद अब्दू उसके पास आते और कहते हैं कि अर्चना व्हाई आर यू डूइंग दिस, तुम क्यों मुझे कुत्ता बोल रही हो, तुम सरासर एक स्टूपिड बेवकूफ कुत्ता हो। यहाँ पर वो डॉग वर्ड का यूज करते हैं ऑफकोर्स। इसके साथ ही वो बाहर आकर घर वालों से भी कहते हैं कि अर्चना जानबूझकर ये सब कर रही है, जानबूझकर यहाँ ये ड्रामे कर रही है, सुबह झगड़ा कर रही है, शाम को झगड़ा कर रही है, दोपहर में झगड़ा कर रही है, और ये सब कुछ वो इंटेंशनली कर रही है, जो कि सरासर गलत है। अब इस पर बहुत ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और वो गुस्से में तमतमाए दिखाई दे रहे हैं पहली बार बिग बॉस के घर में। वेल, आप क्या कहेंगे अर्चना और अब्दू का ये जो फिलहाल पंगा चल रहा है, इस पर अपनी विचार साझा कीजिए हमारे साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और इसी तरह से हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।